हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ETF के बारे में बात करेंगे जहां आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी मंगलवार के दिन सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और उस ETF का नाम है मिराया एसेट का हैंग सेंग टेक ETF। और आज के दिन ये ETF 10% से ज़्यादा की गिरावट शो किया है। 10.62% आज के ट्रेडिंग सेशन में ये ETF गिर चुका है और 19.28 पे ये बंद हुआ है ETF। और बीते दो तीन ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं ये 4 अक्टूबर से और आज के बीच ये लगभग 17-18% टूट चुका है। और देखिए, बीते कुछ दिन पहले हमने आपके साथ ये इसके ETF के बारे में वीडियो भी शेयर की थी कि देखिए यहाँ पर एक तरफा तेज़ी देखने को मिली थी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि अब ये ETF बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था और देखिए काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा था। क्योंकि देखिए, माना कि चाइना के मार्केट में तेज़ी थी जिस वजह से इस ETF में भी तेज़ी थी, पर चाइना का मार्केट में इतनी भी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी कि जितना ये ETF तेज़ी शो कर रहा था। देखिए बीते कुछ 10-15 दिनों में ये ETF तकरीबन देख सकते हैं यहाँ पर ये 73% तक के रिटर्न निकाल के दिया था। 23 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 73% के रिटर्न निकाल के दिया था ये ETF। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड हो रहा था। और देखिए यहाँ से अब ये गिरावट भी शो करने लगा है। अब ये गिरावट कितनी होगी कह पाना मुश्किल है, पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इसका प्राइस जो है 19.28 रुपये पे बंद हुआ है आज के दिन। पर अगर आप मिराया एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे और इस ETF की रियल INAV आज के दिन की चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर करंट INAV देख सकते हैं ETF की, और यहाँ पर ये जो ये वाला ETF है आप देख सकते हैं मिराया एसेट का हैंग सेंग टेक ETF, इसकी रियल INAV आज के मार्केट के बंद होने के बाद 17.08 सो हो रही है। तो मतलब कि इस ETF का प्राइस 17 रुपये तक भी जा सकता है आने वाले एक दो दिनों में। तो मतलब कि यहाँ से भी 10-12% की गिरावट ईजिली देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो जो लोग भी इस ETF में इस गिरावट में बाय करने का सोच रहे हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे इसकी इस ETF की जो रियल INAV है वो 17 रुपये है आज के मार्केट के बंद होने के बाद, जो कि ये ETF आने वाले दिनों में ये प्राइस दिखा सकता है। तो वैसे तो आप हमने पास्ट के वीडियो में भी बोला है, जब इस ETF को हमने कवर किया था अपने वीडियो में, कि देखिए ऐसे ETF काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, तेज़ी आती है तो एकदम से बूम करते हैं और गिरावट आती है तो एकदम से क्रैश भी होते हैं। और गिरावट कितनी होगी, तेज़ी कितनी होगी, कहाँ से गिरावट होगी, कहाँ से तेज़ी होगी, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो जिस वजह से हमने आपको थोड़ा सा अलर्ट भी किया था, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। और सेम हाल हैंग सेंग 20 का भी है, यहाँ भी बीते कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी बनी थी, अब यहाँ से भी गिरावट आना शुरू हो गई है। और ऐसे ETF में देखिए ऐसे ही होता है, ये ETF जो कि चाइना के मार्केट को कवर करते हैं और ये हांगकॉन्ग के ETFs हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही उनके जो स्टॉक होते हैं ना काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, जिस वजह से इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं और ये उन्हीं इंडेक्स को ये ETF कवर करते हैं। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। और अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक गिरावट है, अगर आपको निवेश ही करना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ETF में निवेश कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर चॉइस होगी। और देखिए ये है निपॉन इंडिया का हैंग सेंग 20 और इसकी जो रियल INAV है वो आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर के मार्केट के क्लोजिंग के बाद 356 दिखा रहा है, और पर यहाँ पर आज के दिन जो ये ETF बंद हुआ है वो 375 के आसपास है। तो इसकी INAV में तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर देखिए ये तो है कि ये ETFs काफ़ी वोलेटाइल हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें। और आज के दिन तो हैंग सेंग इंडेक्स भी काफ़ी गिरावट शो किया है, 9.5-10% की गिरावट हुई है आज के दिन हैंग सेंग इंडेक्स में। तो जिस वजह से आप ऐसे ETFs को काइंडली, अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है यानी रिस्की इन्वेस्टर नहीं है और आप सेफ इन्वेस्टर हैं, तो ऐसे ETF को आप अवॉइड करें, आप इंडियन स्टॉक मार्केट के ETF में निवेश कर सकते हैं। तो ये एक अपडेटेड वीडियो था इन ETFs के बारे में कि मे बी यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है, तो अगर आप किसी प्रकार की बाइंग करने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा इन ETFs में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, कितनी भी गिरावट आ सकती है और फिर चलने को बहुत ज़्यादा चल भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपको वोलेटाइल ETF पसंद नहीं है तो इन ETFs को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इन ETFs के बारे में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।